हेलो ऑल, होम देवा अंकिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सेट ऑफ 3 बॉर्डर रंगोली डिजाइन्स, जो बहुत ही सिंपल, एलिगेंट और ब्यूटीफुल है। ये बॉर्डर रंगोली डिजाइन्स इतने सिंपल है जिसमें मैंने फिंगर टेक्निक यूज की है, ठीक है। तो जिसे रंगोली निकालना नहीं आता है वो भी इसे आसानी से परफेक्टली बना सकता है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ, और फ्यूचर रंगोलीज देखनी है ना तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये पहली बॉर्डर रंगोली डिजाइन से। ये बॉर्डर डिजाइन में मैंने रेड कलर को एज अ बेस कलर यूज किया है, जो बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा है। ये बॉर्डर डिजाइन है तो हमेशा इसमें हाईलाइट होना चाहिए ना, तो इसीलिए कलर्स भी कुछ ऐसे ही सिलेक्ट करें जो ज्यादा वाइब्रेंट और हाईलाइट हो पाए। देख सकते हो मैं एक उंगली की मदद से ऐसे गोल गोल राउंड घुमा रही हूँ, जिससे ये खुद ही अपने आप ये डिजाइन बन गया है। ये एकदम सिंपल और इजी टेक्निक है, जिसे रंगोली नहीं निकालना आता है वो भी आसानी से निकाल सकता है। अंदर वाले हिस्से में जहाँ पे वो सर्कल एंड हुआ है वो वैसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए वहाँ पे और फिनिशिंग टच देने के लिए और हाईलाइट करने के लिए मैंने वहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल किया है। बस एक एक बूंद डाल के उंगली की मदद से उसे फ्लैट कर रही हूँ। पीले कलर की जो बूंदे डाली है ना, उसे और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए मैं डार्क ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और सेम बूंदे डाल के उसे फिर से फ्लैट कर रही हूँ। अब देखो ये लाल, पीला और हरा, ये तीनों कलर उठ के दिख रहे हैं। अब दो दो गोल के बीच में मैं पिंक कलर की एक एक बूंद डाल रही हूँ। मुझे ये बॉर्डर थोड़ी हैवी बनानी है, इसीलिए इसमें मैं वर्क थोड़ा ज्यादा करूंगी। पिंक कलर की बूंदों को भी मैंने ऐसे फ्लैट कर दिया है। ये पहला जो पिंक कलर का बूंद है, उसके नीचे मैं सेम कलर से नाजुक बूंदे डाल रही हूँ, जिससे वो फ्लावर की तरह लगे, और फिर एक बूंद छोड़ के सेम वैसे ही फ्लावर बना रही हूँ। उंगली की मदद से मैं उन फ्लावर वाली बूंदों को ऐसे फ्लैट कर रही हूँ, जिससे वो एकदम फ्लावर की तरह लगे और एकदम नाजुक और प्यारा भी लगे। एक बूंद छोड़ के एक बूंद में फ्लावर निकाला है, इसीलिए अब वो बूंद और फ्लावर दोनों उठ के दिख रहे हैं, ठीक है। जितने भी पिंक कलर के फ्लावर्स बनाए हैं मैंने, उसके नीचे से मैं उंगली की मदद से ऐसी डिजाइन बना रही हूँ। लाल, ये डिजाइन ऐसी लग रही है। अब ये येलो कलर की बूंदे मैं पिंक कलर के फ्लावर के नीचे ही डाल रही हूँ। ऊपर वाले हिस्से में दो गोल के बीच में एक पीले कलर का बूंद डाल रही हूँ, जिससे ये बहुत हैवी लग रहा है और अच्छा कॉम्बिनेशन बेस भी। नीचे वाले हिस्से में पीले कलर के नीचे एक एक लाल कलर की बूंद मैंने डाल दी है और उसे फ्लैट कर दिया है। लाल कलर के नीचे मैं डार्क हरे कलर से उसे हाईलाइट कर रही हूँ और छोटा सा फ्लावर बना रही हूँ, जिससे नीचे वाले हिस्से को एकदम नाजुक टच आ जाएगा, बीच वाला हिस्सा एकदम हैवी दिख रहा है, और फिर ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा और नाजुक बनाएंगे, जिससे ये बॉर्डर कंप्लीट जो है एकदम हैवी नहीं लगेगी, एकदम नाजुक भी नहीं, और एकदम सिंपल और स्वीट लगेगी। ऊपर वाले हिस्से में मैंने पीले कलर के ऊपर एक एक लाल कलर की बूंद डाल दी है। लाल कलर की बूंद को और थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, ग्रीन कलर की बूंद डाल के उसमें, और उसे ऐसे फ्लैट कर रही हूँ। अब लाल और पीले कलर की बूंद को ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं पिंक कलर की बूंद डाल के उसे ज्वाइन कर रही हूँ, जिससे एकदम नाजुक टच आ गया है, और नीचे वाले लाल कलर की बूंद को भी पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया है। नीचे वाले डार्क ग्रीन कलर के जो पेटल्स बनाए हैं मैंने फ्लावर के, तो उसे मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रही हूँ। पांच पांच पेटल डाले हैं मैंने, जिससे अब ये थोड़ा सा और हैवी लग रहा है। देखिए ये बॉर्डर एकदम फटाक से बन गई है, एकदम सिंपल। जिसे रंगोली नहीं निकालना आता है वो भी इसे बना सकता है कि नहीं आप आसानी से। चलिए शुरुआत करते हैं अब ये सेकेंड बॉर्डर रंगोली डिजाइन से। ये बेस बहुत ही प्लेन लग रहा है, अब इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसमें थोड़े से लाल और हल्दी कलर की मदद से इसमें थोड़ा सा शेड डाल देती हूँ। प्लेन कलर पे ऐसे शेड डालने से उसका बेनिफिट क्या होता है पता है क्या? ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं उंगली की मदद से सिंपली ऐसा एक ट्रेडिशनल सा शेप बना रही हूँ। उसके पास टाइम कम है और जगह की भी कमी है, वो तो इसे एकदम फटाक से बना सकता है यार। सिंपल, एकदम इजी तरीके से वो उंगली को घुमाओ विदाउट एनी ब्रेक, और अंदर वाले गोल को मैं लाल कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। ये बॉर्डर में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस शेड्स डाल दो और उंगली की मदद से कोई भी एक पैटर्न डाल दो, और नीचे वाले हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से में कुछ बूंदे वगैरह डाल के उसे हाईलाइट कर दो। बस खुद ही अपने आप ये एलिगेंट और प्रेटी डिजाइन बन जाएगी। एकदम कम समय में वो भी परफेक्शन के साथ ये डिजाइन बन जाती है। नीचे वाले हिस्से को मैंने लाल कलर की मदद से हाईलाइट किया है, अब मैं उसे
कंप्लीट करने के लिए लाल और नीले कलर की बूंदों से हाईलाइट कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है और ये खुद ही अपने आप ये प्रेटी बनते जा रही है डिजाइन। और ऊपर वाले हिस्से में भी मैं सेम टेक्निक फॉलो करूंगी, नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से में कॉपी करने वाली हूँ, लाल कलर की मदद से हाईलाइट और फिर लाल और नीले कलर की बूंदे, दैट्स इट एंड यू आर डन। ये डिजाइन देख के ही क्या लग रहा है पता है क्या, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एकदम हैवी है, ठीक है, और बीच वाला हिस्सा जो है उसमें जो पैटर्न डला हुआ है शेड्स पे, तो ऊपर से लेके नीचे तक वो सारी बॉर्डर जो है वो अच्छे से हाईलाइट हो रही है। बहुत हैवी वर्क नहीं है इसमें और बहुत नाजुक वर्क भी नहीं है। अंदर वाला जो ट्रेडिशनल शेप है उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देती हूँ ना, ये पीले कलर की बूंदे डाल देती हूँ। ये पीला कलर मैंने और कहीं पे यूज नहीं किया है ना, तो इसीलिए मैंने इसको एज अ हाईलाइटर यूज किया है, ठीक है। अगर मैं वहां पे लाल बूंदे यूज करती या फिर हरे, ब्लू पे हरा उतना उठ के नहीं दिखता, पीला जो है ये थोड़ा फ्रेश है ना, और ज्यादा हटके भी दिखेगा क्योंकि और कहीं पे यूज ही नहीं किया है, तो इसीलिए ये जो नाजुक से बूंदे मैंने डाली है वो एकदम उठ के दिख रही है ये वाले शेप पे। टडंग, दिस डिजाइन इज ऑल्सो रेडी, जो बहुत ही कम टाइम में कम समय में बन गई है, एकदम ब्यूटिफुल और आसान भी। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे और आखिरी बॉर्डर रंगोली डिजाइन की। यहाँ मैं कोई बेस कलर यूज नहीं करने वाली क्योंकि फर्स्ट टू डिजाइन्स में बेस कलर यूज किया है ना, इसीलिए यहाँ पे विदाउट बेस कलर नाजुक से डिजाइन कैसे बनाना है वो मैं दिखा रही हूँ। मैंने तीन फ्लावर बनाए हैं, लाल कलर की बूंदे डाल के मैंने इन तीनों फ्लावर को आजू बाजू में ऐसा डाला हुआ है और उसमें पिंक कलर की एक एक बूंद डाल के सेंटर में उसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। डिजाइन ना एकदम ही सिंपल है, जगह की कमी है और टाइम की भी कमी है, ठीक है, और जिसे रंगोली बिल्कुल भी नहीं निकालना आता है ना वो तो इसे एकदम ही आसानी से और एकदम परफेक्टली बना सकता है यार, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस उंगली की मदद से ऐसे फ्लावर डाल दो। और डार्क ग्रीन कलर से मैंने ऐसे वो शेप किया है और फिर से तीन फ्लावर डालूंगी और फिर से मैं ग्रीन कलर की मदद से उसे और एक्सटेंड करते जाऊंगी, बस ये सीक्वेंस फॉलो करूंगी और बस ये डिजाइन अपने आप ही बनते जाएगी और जहां तक आपको ये बॉर्डर निकालनी है वहां तक इसको ऐसे ऐसे एक्सटेंड करते जाओ। ग्रीन कलर का ये जो मैं रैंडम शेप डाल रही हूं ना, उसे मैं उंगली की मदद से ऐसे फिनिशिंग टच दे रही हूँ, ठीक है, जिससे ये परफेक्टली फाइन फिनिश लग रहा है। अगर मैं उंगली की मदद से ऐसे फाइन फिनिश नहीं देती ना तो वो बहुत ही रफ और फैला फैला सा दिखता है ना, तो इसीलिए आप ये टेक्निक समझ लीजिए और अपनी रंगोली में इस टेक्निक को हमेशा इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी रंगोली एकदम ही परफेक्टली फाइन फिनिश लगेगी। और जिससे रंगोली नहीं निकालने आती हो, ये मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये जो टेक्निक्स है ना उन लोगों को भी इतना इजीली काम में आती है कि वो इस टेक्निक को यूज करके आसानी से इससे और अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। ग्रीन कलर की शेप पे मैं ऐसे पिंक कलर की बूंदे डाल के उसे ऐसा नाजुक सा टच दे रही हूँ और जिससे वो हाईलाइट भी हो रहा है, और वो ऐसे पिंक कलर की बूंदे डाल के उसे ना ऐसा पेटल्स वाला इफेक्ट आ गया है। मैं बहुत ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाली, देखो अब ये दो ग्रीन कलर के जो शेप है उसके बीच में मैंने पीले कलर की मदद से, पीला कलर नहीं है ये हल्दी कलर है, तो ये हल्दी कलर की मदद से उसे ऐसे हाईलाइट किया हुआ है और थोड़ा सा डिजाइनर लुक दिया है मैंने उसे। और जो ये ग्रीन कलर का जो शेप था डार्क ग्रीन कलर का, उसे एंड करने के लिए मैंने लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है और उसमें एक एक डार्क ग्रीन कलर की बूंद डाल के उसे और ज्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, डार्क लाइट डार्क ऐसा वो कॉम्बिनेशन लग रहा है जिससे वो तीनों कलर उठ के दिख रहे हैं। और ये तीनों फ्लावर के बीच में मैंने एक ही व्हाइट कलर की बूंद डाल दी है उसे थोड़ा सा जॉइन करने के लिए और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। ये जो पिंक कलर की बूंदे है ना उसमें मैं ग्रीन कलर की और बूंदे डाल के उसे थोड़ा सा हैवी बना देती हूँ, बस और ज्यादा काम नहीं करने वाली हूँ मैं इस बॉर्डर पे, बस ये बॉर्डर इतनी ही अच्छी लग रही है और इसमें मैं एलिमेंट्स और शेप्स और कलर्स यूज करूंगी ना बहुत ही भरी भरी सी और अच्छी नहीं लगेगी। टडंग, डिजाइनर नाजुक बॉर्डर तैयार है। तीनों बॉर्डर्स को प्लीज ट्राई करना।